तो हम अक्सर बोला करते हैं अपने वीडियोस में कुछ यूनिक स्टार्ट कीजिए, कुछ ऐसा लाइए पटना में जो कि पहले से मिल नहीं रहा हो। तो वेडनेसडे को मेरे पास एक मैसेज आया कि इनके मम्मी पापा हैं NIT घाट के पास, कि कुछ यूनिक्स है, स्ट्रीट फूड बेच रहे हैं। तो बस कंट्रोल हुआ नहीं और हम लोग पहुंच गए इस जगह को कवर करने और इसके बारे में आपको बताने। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। फिलहाल हम लोग खड़े हैं NIT के पास, बिल्कुल सामने ये वाला जो रोड है ये चला जाता है NIT कॉलेज की ओर। और हल्का सा हम लोग अंदर इंटर करते हैं इस रोड में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक इस तरीके का सेटअप मिलेगा जहां पर कि एक ओल्ड एज कपल है जो कि बेच रहे हैं बहुत ही यूनिक यूनिक डिश। तो चलते हैं, आंटी से बात करते हैं और बताते हैं कि यहां कौन सा दो यूनिक डिश मिलता है, उसे बनवाते हैं, खाते हैं और जो स्वाद है वो आपको बताते हैं। सामने जो देख रहे हैं आप NIT कॉलेज है, गांधी घाट चला जाता है आगे, और इसके थोड़ा सा पहले ही ये है सोन छात्रावास, और सोन छात्रावास के बिल्कुल सामने में ही ये वाला सेटअप है। ऐसा ही एक छोटा सा कार्ट है, प्रॉपर कोई कार्ट भी इसे नहीं कह सकते हैं, और यहीं पर ये आंटी और अंकल खड़े हैं और ये लोग अपना जो काम है वो कर रहे हैं। तो अब हमारा बनने वाला यहाँ का बहुत ही स्पेशल सा दही के शोले। आंटी दही हो गया ना? हाँ, ये दही है। ठीक है, ये इसका पानी आप निकाली हुई है? पानी निकाल दिए हैं। अच्छा, और दही आप खुद ही जमाती हैं? जी, घर में ही जमाते हैं। ठीक है, अभी तो प्याज नहीं दे रहे हैं ना, क्योंकि नवरात्रा है, नहीं तो प्याज भी इसमें डाला जाए। नवरात्रा के बाद लहसुन प्याज भी, लहसुन तो नहीं, प्याज रहेगा? प्याज रहेगा, और उसके बाद नवरात्रा के बाद बनेगी। इस तरीके से दही के अंदर ये जो वेजीज वगैरह था इसे मिक्स किया गया, और अब जो है जा रहा है धनिया पत्ता। एक बहुत ही यूनिक सा डिश है पटना में। हम लोग, आप कहाँ से सीखी ये बनाना? ये दिल्ली तक आया है, अभी बिहार में पहला बार है। दिल्ली तक आ गया, बिहार तक नहीं पहुँचा है? बिहार में नहीं पहुँचा। आप पहुँचा दी तो बिहार तक? हम तो पहुँचा, यही से तो सोचे कि बच्चे इन लोगों को पहला बार खिलाए। आप कहाँ से सीखी है इसको बनाना? इसको सीखे दिल्ली में ही थे हम। अच्छा, आप पहले दिल्ली में रहती थी। अब जाएगा इसमें नमक। वैसे ये हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में खाए हैं, बट स्ट्रीट फूड पर कहीं नहीं दिखता है। नहीं हुआ है अभी, इधर नहीं आया है। और इसमें कुछ मसाला नहीं जाता है? नहीं। अच्छा, सिर्फ नमक और दही और सब्जी बस? मेन इसमें ये टेक्निक है कि दही में पानी नहीं रहना चाहिए, है ना? पानी नहीं रहना चाहिए, और इसमें जब बनता है ना तो ऊपर से एकदम क्रिस्पी आपको रहेगा, अंदर से एकदम सॉफ्ट, मुंह में एकदम लगेगा कि घुल गया। तो ये आ गया ब्रेड का पैकेट, और अब ब्रेड के अंदर इसका फिलिंग होगा, है ना आंटी? हाँ, ब्रेड के अंदर इसको। तो फिर ये आपका कैसे आइडिया आया कि इस तरीके से स्ट्रीट पर ये सब बेचना है? ये मतलब शौकिया या जरूरत या क्या? मतलब हमको शुरू से ही खाना बनाकर बच्चे लोग के खिलाना बहुत पसंद आता है। अच्छा अच्छा, चलो एक कुछ निकालते हैं जो किनारे वाला है, इसको हम निकाल देंगे काट कर। अच्छा, पानी से थोड़ा सा इसको गीला किया था, मुलायम कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम बेल देंगे। अच्छा, ये क्यों? ऐसे बेलने से ना तेल थोड़ा सा कम इसमें जाता है, क्योंकि तेल सोखता नहीं है। सोखता नहीं है जो है दही के इसमें, इसको हम यहाँ पे रखें। ठीक है, अब इसको आप चाहिएगा कि हाथ से करें तो नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए इसको पहले हम मोड़ लेते हैं। अच्छा, एल्युमिनियम फॉइल में इसको करते हैं? एल्युमिनियम चाहे तो जो ब्रेड वाला आता है, ब्रेड वाला ही प्लास्टिक है, इसमें भी आपको हो जाएगा। इसको खूब अच्छा से मतलब दाब के अच्छा, अब ये अच्छे से मिक्स हो गया। हाँ, इसमें अंदर से एकदम पूरा हो गया। अब देखिए तेल गरम है, इसमें हम तो ये आंटी रेडी हो गया। हाँ, ये रेडी हो गया है। और एक का रेट क्या होता है? 20 रुपीज। अच्छा, 20 रुपए का एक है। इधर जो हमारा दही के शोले था वो हो चुका है तैयार, और इसके साथ में भी कुछ मिलता है? चटनी रहेगा। वो किस चीज़ की होती है? टमाटर की चटनी और धनिया के पत्ता की चटनी। अच्छा, ये हो गया टमाटर की चटनी, और अब आ गया ये धनिया का चटनी। और नेक्स्ट आंटी ये क्या बन रहा है? उल्टा बड़ा पाव बन रहा है। उल्टा बड़ा पाव? हाँ। अच्छा, इसमें मतलब क्या उल्टा किया जाता है? इसमें मतलब कि इसको काट के और इसमें आलू का फिलिंग डालेंगे। अच्छा, और उसके बाद इसमें चीज डलाएगा। आलू का सब मिक्स किया हुआ है,
हरा मिर्ची और नमक और मतलब अदरक की सब पेस्ट बना के इसमें डाल दिया। इसमें वड़ा नहीं जाता है? नहीं, अच्छा। इसी में पेस्ट होती है। ये भी एक नया तरह का चीज़ बन रहा है पटना के लिए, उल्टा वड़ा पाव। इस तरीके से पाव के अंदर आलू का फिलिंग किया गया, यहाँ पे वड़ा यूज़ नहीं किया जा रहा है। अच्छा, इसी वजह से लगता है कि उल्टा इसका नाम है, नहीं कि मतलब पहले डाल देते हैं उसके बाद फ्राई करते हैं। उसमें क्या, नॉर्मल वड़ा पाव में क्या होता है कि पहले फ्राई कर दिया जाता है उसके बाद इसमें डाला जाता है। अब जाएगा चीज़। और इसका क्या रेट है? 30 रुपया। ये सब भी आप सब दिल्ली से सीख के आई हैं? हाँ। तो अब इसके अंदर चीज़ का जो फिलिंग है वो किया गया, अब कवर जो है कर दिया गया और नेक्स्ट अब इसे करना है फ्राई। अब जो है बेसन का घोल रेडी किया जा रहा है। ये आ गया बेसन। अब गया बेसन में थोड़ा सा नमक जाएगा, इसमें थोड़ा सा पानी। नेक्स्ट इसे इस तरीके से बैटर के अंदर डाला गया और अब इसे फ्राई करना था। आमतौर पे जो वड़ा पाव होता है उसमें आलू का उस तरीके से वड़ा बना के उसे बेसन में डाल के फ्राई करते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पाव के ऊपर में ये बैटर लगाया गया और इसे फ्राई किया जा रहा है। आंटी टाइमिंग क्या होता है, कितने बजे से लगाती हैं आप? एक बजे से लगाते हैं, रात में 8 बजे तक। और बस अभी फ़िलहाल यही दो आइटम मिलता है, दही के शोले और वड़ा पाव। नवरात्रा के बाद सोच रहे हैं कि चिकन और लिट्टी का यहाँ पे, कहे कि बच्चा इन लोग का भी फरमाइश हुआ है कि आंटी यहाँ पे बहुत चलेगा लिट्टी चिकन, चिकन और लिट्टी, क्योंकि हॉस्टल का खाना लोग खाका का बोर हो गया है ना। तो चलो नवरात्र के बाद हम लोग फिर से एक बार आएंगे आपका लिट्टी चिकन खाने। हाँ। तो इधर जो वड़ा पाव है ये हो चुका है तैयार। इसके साथ क्या मिलता है? और वही दो चटनी, टमाटर और धनिया वाला चटनी रहेगा इसके साथ। और चीज़ भी अंदर में डाला गया था, तो थोड़ा सा ये जो चीज़ पुल है वो भी आप देख सकते हैं। अब इसे प्लेट में डाला गया और वापस से वही दो चटनी, टमाटर और धनिया का मिलेगा। ये आ गया टमाटर की चटनी, नेक्स्ट आएगा धनिया। सबसे पहले टेस्ट करते हैं ये जो दही के शोले हैं, मेकिंग आपको दिखाए हैं। इस तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी सा लेयर है ऊपर ब्रेड का, अंदर में दही है, वेजीज है और नमक है बस, और कोई मसाला वसाला नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। तो बिल्कुल सैंडविच से मिलता जुलता स्वाद आ रहा है, कोई फैंसी सा मसाला नहीं, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं। हल्का सा जो अंदर में दही यूज़ किया गया उसका ज़रा सा खटास आएगा, बाकी जो वेजीज है मेनली गाजर थोड़ा डोमिनेट कर रहा है वेजीज में, उसका स्वाद हल्का सा, उसका क्रंच और ऊपर ये जो ब्रेड है, फ्राई किया हुआ ब्रेड है, इसका टेस्ट ओवरऑल सही है। हल्का सा डाउट दिक्कत लगा कि मतलब दही जरा सा खट्टा था, अगर वो और फ्रेश हो और सही स्वाद आएगा, बट हम लोग वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, हो सकता है आज की किसी कारण से दही खट्टा रह गया होगा, तो चलता है। तो नेक्स्ट अब ट्राई करते हैं ये उल्टा वड़ा पाव। अब देखिए ये चीज़ जो है ये डाला गया है, बहुत सही सा चीज़ फुल, बहुत सही, 30 रुपये रेट है। इसमें आलू जो है बेसिक सा लगा, आलू में कोई ख़ास मसाला नहीं है, और ऐसे भी आंटी कुछ मसाला ज़्यादा यूज़ कर नहीं रही है। तो मेन स्वाद इसमें हल्का सा ब्लैंड सा आलू का टेस्ट आएगा, उसके बाद चीज़, और उसके बाद ये जो पाव का जो फ्राई किया हुआ लेयर है उसका स्वाद, और हल्का सा जो चटनी है इसका, चटनी भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, चटनी भी थोड़ा सा लाइट सा है। इसका स्वाद हम ठीक कहेंगे क्योंकि मेन जो डोमिनेंस है इसमें चीज़ का है, मसाला बहुत लाइट है। तो एक बार आइएगा दही के छोले ट्राई कीजिएगा, और कुछ हैवी खाने का मन कर रहा है तो ये आप उल्टा वड़ा पाव ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हैवी है, एक में पूरा पेट फुल। टाइमिंग वगैरह आपको बता चुके हैं, 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है, रात के 8-9 बजे तक ये अवेलेबल होती है यहाँ पर। ख़त्म करते हैं वीडियो, आइएगा खाइएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।